जय श्री कृष्ण। आज हम भगवत गीता का दूसरा श्लोक का ध्यान में रखेंगे, जो कि हमारे पहले अध्याय का दूसरा श्लोक क्या है गीता में, उस पर ध्यान देंगे। अगर हम बात करें ये जो चैप्टर वन जो हमारा था भगवत गीता का, उसका पहला वर्ष अगर हम ध्यान में रखें तो पहले वर्ष में क्या था हमारे पास था धृतराष्ट्र वाचा। तो अब यहाँ पे पहले में था धृतराष्ट्र वाचा, इसका मतलब था कि धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था संजय से, और अब संजय उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास जो पहला चैप्टर है गीता में उसका दूसरा वर्ष है ये, जो आज हम जानने को उत्तेजित हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको यूं ही पढ़ेंगे, उच्चारण बाद में करेंगे, सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि ये क्या है। तो ये संजय संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानिकं यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यं उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। तो ये हमारे पास दूसरा श्लोक है भगवद गीता के पहले चैप्टर का, जिसको हम अध्याय भी बोलते हैं, पहले अध्याय का दूसरा श्लोक का। तो इसके हम अगर वर्ड्स डिकोड करें तो ध्यान में आएगा कि क्या है हमारे पास। संजय संजय कैरेक्टर होता है जो धृतराष्ट्र को अपना वो मतलब ज्ञान सुनाता है कि आज रणभूमि में क्या होने जा रहा है, क्या हुआ। उवाच उवाच का मतलब सेट, दृष्ट्वा दृष्ट्वा का मतलब होता है ऑन ऑब्जर्विंग, देखने पर क्या हुआ। तू बच पांडवानिकम द पांडवा आर्मी, तो देखने पर क्या दिखा, पांडवा आर्मी दिखी। किसको, संजय को दिखी। कहां, युद्ध के क्षेत्र में, जो धर्म क्षेत्र बताया गया है पहले अध्याय पहले वर्ष में पहले श्लोक में। तो ये चीज है, कुरुक्षेत्र में पांडवों की सेना देखकर ऐसा व्यतीत हुआ कि क्या होने जा रहा है। यूढ़म स्टैंडिंग एज ए मिलिट्री, तो उन सबको मतलब शक्तिशाली सूरत में देखकर संजय ने दुर्योधन धृतराष्ट्र को बताया। तो दुर्योधन एंड देन व्हाट हैपेंड, तदा मतलब देन आचार्य, आचार्य का मतलब टीचर, उपसंगम्य उपसंगम्य मतलब अप्रोच्ड, उस तरफ पहुंचना, किसी के पास जाना, नजदीक जाना, दैट इज नॉट अप्रोच्ड। राजा द किंग, तो वचनम वचनम हो गया वर्ड्स, और अब ब्रावीत ब्रावीत मतलब स्पोक। तो ये चीज है, अब वर्ड टू वर्ड हमें पता चला कि अब इसको इस श्लोका को हम उच्चारण के आधार पर देखेंगे। तो कैसे इसका उच्चारण करेंगे, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यं उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। तो ये इस तरह से इसको गाना है। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं योढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यं उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। तो इस तरह से इसको इसका उच्चारण है। तो इसका अर्थ क्या है कि संजय जो है तो वो कहते हैं, किसे कहते हैं, धृतराष्ट्र जी से कहते हैं कि यहाँ रणभूमि में जो जो धर्म क्षेत्र की भूमि बताई है आपने,
जो कुरुक्षेत्र में है उसमें मैंने देखा, किसको देखा, पांडव की सेना को देखा और जो युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। और जब ये चीज संजय ने देखी तो उसके वो उनको बताने लगे, किसको, धृतराष्ट्र जी को, कि मैंने तो देखा कि भाई आर्मी जो है किसकी, पांडव की सेना युद्ध क्षेत्र में बिल्कुल एकदम से रेडी है, तैयार है युद्ध के लिए। और जब इस तरह से ऐसा हुआ तो फिर वो संजय कहता है दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र से कहता है कि आपका पुत्र दुर्योधन जो है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया है, वो उनसे आशीर्वाद लेने गया है, उनसे सलाह लेने गया है कि अब किस तरह से युद्ध प्रारंभ किया जाए। ये तो ठीक है, लेकिन इसका जो असली मकसद था, जो एक्चुअल में जो मंशा थी दुर्योधन की, वो डर गया था पांडव की विशाल सेना देख के, इसलिए वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया कि अब किस तरह से गुरु द्रोणाचार्य से मैं कुछ ज्ञान प्राप्त करूं, कुछ आशीर्वाद प्राप्त करूं या गाइडेंस ले लूं कि अब किस तरह से इस चीज को डील किया जाए। जबकि दुर्योधन ने पांडवों को हर समय नीचे दिखाने की कोशिश करी थी, उनको बहुत कमजोर समझा था और अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था, तो ये भी एक कारण था कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन, मतलब अब उसके जो विचार थे डगमगा गए थे कि अब युद्ध क्षेत्र में ये सब सामने सामने है तो अब क्या होगा, तो ये विनाश का कारण हो सकता है, इसलिए डर के कारण वो अपने गुरु जी के पास गया। जब उपसंगम या अप्रोच, तो ये है आचार्य में टीचर, तो यहाँ टीचर कौन था, गुरु द्रोण। तो गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य जो था तो वो कौन था, दुर्योधन। तो दुर्योधन उनके पास जाते हैं सलाह लेने के अब क्या किया जाए। तो इस श्लोक के हिसाब से हमें इतना ही ज्ञान मिलता है। और ये श्लोक जो है तो ये किसको किसके लिए उत्तर है, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र के लिए ये एक तरह का रेस्पॉन्स है, आंसर है। जब उन्होंने पूछा था कि ये मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र इस क्षेत्र कुरुक्षेत्र की रणभूमि में क्या किया उन्होंने, तो ये फिर आगे संजय जी ने उनका जवाब दिया, उत्तर दिया कि ये यहाँ पे विशाल सेना पांडवों की उपस्थित है युद्ध क्षेत्र में और आपका पुत्र भी वहां पर ही है और वो अपने गुरु जी के पास गए हैं कि आप गुरु जी किस प्रकार से आज्ञा देते हैं उस प्रकार से ही हम आगे युद्ध को प्रारंभ करेंगे। तो इतना ही था इस श्लोक में। धन्यवाद आपका।